हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड लेसन नंबर वन ऑफ यूनिट फाइव फर्स्ट लेसन ऑफ फिफ्थ यूनिट फ्रॉम इंग्लिश रीडर टेक्स्ट बुक फैशन विद सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर पीपल वेयर क्लोथ्स फॉर सेवरल रीजंस, लोग कपड़े अलग अलग रीजन के लिए पहनते हैं दे वियर क्लोथ्स टू कीप डल्फ वॉम एंड ड्राई वो कपड़े ख़ुद को वार्म मतलब गर्म रखने के लिए या खुद को मतलब कि कूल ड्राई रखने के लिए पहनते हैं सम वियर क्लोथ्स दैट इंडिकेट देयर रिलीजन कुछ लोग कपड़े अपने धर्म को शो करने के लिए कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसके लिए भी पहनते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो जो जेंट्स होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं जो मुसलमान होते हैं उनमें लेडीज़ बुरका वियर करती हैं ओके okay, सो so, अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग तरह के कपड़े वियर करते हैं सम वियर क्लोथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप और कलर टू कीप ऑफ इविल सेपरेट्स कुछ लोग पर्टिकुलर कलर्स के कपड़े मतलब कि पहनते हैं कि एक स्पेसिफ़िक कलर लाइक ब्लैक रेड वाइट किसके लिए मतलब बुराइयों को शो करते हुए कि ये इस बुराई का प्रतीक है या इस अच्छाई का प्रतीक है उसके लिए भी पहनते हैं सोल्जर्स वी स्पेशल ड्रेसेस टू टेरीफाई देयर एनिमीज़ इन द बैटल सोल्जर्स जो हमारे सैनिक होते हैं वो स्पेशल तरह की ड्रेसेस पहनते हैं किसके लिए अपने दुश्मनों को फाइट में फ़ाइट में अपने दुश्मनों को डराने के लिए डिफरेंट टाइप की ड्रेस को पहन के रखते हैं बट probably the most important reason of wearing cloth is to make an impression on others. but जो सबसे important reason है कपड़े पहनने का वो क्या है दूसरों को impress करना अपना impression दूसरों के ऊपर छोड़ना ही सबसे मेन रीज़न है कपड़े पहनने का दैट हैज बिन ट्रू थ्रू आउट द एजिस और ये बहुत सालों से एक फैक्ट मतलब कि एक सच्चाई वाली चीज़ है बहुत टाइम से ये चलती आ रही है इनफैक्ट द फर्स्ट क्लॉथ्स वर प्रोबली वॉन मोर फॉर डेकोरेशन दैन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर वास्तव में द फर्स्ट क्लोथ्स वर प्रोबली वॉन मोर फॉर डेकोरेशन दैन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर स्टार्टिंग में जब मतलब कि कपड़ा पहनना शुरू किया गया था तो वो खुद को वेदर से बचाने के लिए नहीं पहना गया था बट खुद को डेकोरेट करने के लिए खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पहना गया था इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द स्टाइल ऑफ क्लोथ्स हैज़ बीन चेंजिंग विद फैशन और इसका रीजन ये है कि जो कपड़ों का स्टाइल है वो फैशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है नाउ वॉट इज फैशन फैशन क्या है फैशन मीन्स अ पॉपुलर स्टाइल ऑफ क्लोथ्स हेयर इटी सी एट अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस फैशन का मतलब होता है कपड़ों का हेयर्स का एक पर्टिकुलर मतलब की एक स्टाइल एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर इट इज बट नेचुरल दैट पीपल लिविंग इन सोसाइटी लव टू वीयर द टाइप ऑफ क्लोथ्स मोस्ट अदर्स आर वीयरिंग तो जब जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं हमें भी अपना ड्रेसिंग ड्रेसिंग सेंस जो है वैसा बनाना पड़ता है हम अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं रादर दैन कम्पेयरिंग टू अदर्स इन अदर वर्ड्स दे लव टू फॉलो द फैशन ऑफ द डे मतलब दूसरी वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वो मतलब कि जो करंट फैशन है जो फैशन चल रहा है उसको फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं नोवन लाइक्स टू लुक आउट कोई भी अजीब दिखना नहीं चाहता अमंग अदर्स दूसरों में देअर फॉर देर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ यू फॉलो द फैशन ऑफ द डे तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम फैशन को फॉलो करते हैं बट सैडली द मीनिंग ऑफ फैशन हैज़ चेंज टू डे बट आज कल क्या है फैशन का मतलब चेंज हो गया है नाओ फैशन डज नॉट मीन अ पॉपुलर स्टाइल ऑफ क्लोथिंग आज के टाइम में फैशन का मतलब पॉपुलर मतलब क्लोथ कपड़े पहनने का स्टाइल नहीं है फॉर अ फ्यू फैशन में बी अ वे ऑफ एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटी बट आज के दिनों में फैशन क्या है एक स्टाइल बन गया है किस चीज़ का इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटी ये एक तरीका बन गया है अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने का बस फॉर बट फॉर मोस्ट अदर्स बट ज़्यादातर लोगों के लिए इट इज़ अ वे टू शो ऑफ देयर रिचेस ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक तरीका बन गया है फैशन एक तरीका बन गया है लोगों के लिए अपनी अमीरी को दिखाने का इट इज़ अ वे टू शो दैट दे बिलोंग टू अस्पेसिफिक ग्रुप ग्रुप मतलब फैशन एक तरीका बन गया है जिससे वो दिखा पाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप से या पर्टिकुलर एक हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं और टू सी दैट दे आर इम्पॉर्टेंट और दिखाया जाता है बताते हैं कि हम लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, वेल्दी हैं सक्सेसफुल पीपल हैं और कितने ही अमीर हैं और सक्सेसफुल कामयाब लोग हैं टूडे अस्टेंज थिंगपन आज एक बहुत अजीब चीज़ हुई सम टाइम अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ ड्रेसेस कम्स इन टू फैशन कई बार एक पर्टिकुलर मतलब की ड्रेसेस का जो स्टाइल uh, है वो फैशन में आता है बट एस उन एज इट बिकम्स पॉपुलर बट एस उन एज इट बिकम्स पॉपुलर विद मोस्ट पीपल बट अब क्या है ये बहुत मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉपुलर हो गया है इट गोज़ आउट ऑफ फैशन और ये फैशन से बाहर हो चुका है सो दिज दरी मीनिंग ऑफ फैशन हैज चेंज तो अब फैशन का मतलब पूरी तरह से चेंज हो गया है फैशन इज नो लोंगर मीन्स अ पॉपुलर स्टाइल ऑफ क्लोथिंग और फैशन का मतलब कपड़ों का स्टाइल नहीं है नाउ इट मीन्स अ स्टाइल ऑफ क्लोथिंग विच ओनली द रिच वियर एंड स्टॉप वियरिंग इट एंड एज सुन एज कॉमन पीपल स्टार्ट वियरिंग तो अब फैशन का मतलब क्या है पहले फैशन का मतलब था कपड़े अलग अलग कपड़ों को मतलब कि नई नई चीज़ों का स्टाइल में आ जाना बट आज के टाइम में फैशन क्या है इट मीन्स अ स्टाइल ऑफ क्लोथिंग मतलब कि कपड़े पहनने का तरीका जो कि अमीर पहनते हैं एंड स्टॉप वेयरिंग और जब वो उसे पहनना बंद कर देते हैं एज सुन एज कॉमन पीपल स्टार्टिंग वेयरिंग इट और जब कॉमन पीपल उसे पहनना शुरू करते हैं जब रिच पीपल पहनते हैं तो वो इन फैशन है और जब कॉमन लोग उसे पहनना शुरू करते हैं तो वो आउट ऑफ द फैशन हो जाता है ओके okay?